मैंने जो ट्रेलर देखा उसमें डांस तो देखने को मिल रहा है सर, उसमें स्टंट्स बड़े देखने को मिल रहे हैं, तो ये मतलब आपको फिर कोरियोग्राफर ने करवाया कि स्टंट मैन ने करवाया था? सर ये नहीं, ये जो हमारे रेमो सरेना सर वो बहुत सीधे साधे लगते हैं और बहुत मतलब फैमिली मैन दिखते हैं, बट एक्चुअली ही टॉर्चर्स पीपल। अगर आपसे कुछ चीज़ नहीं हो रही तो आप बोलते हैं चलो, आप कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, बट इनके साथ वो भी नहीं कर सकते थे। हम लोग बोलते हमसे नहीं हो रहा है आप करके देखो, वो एक्चुअली करके भी नहीं कह सकते, कर देंगे ना वो कुछ डिफिकल्ट स्टेप आ गया ऐसा ऐसा, वो एक्चुअली कर देते स्टेप। तो प्रॉब्लम हम लोग को बहुत मतलब, हाँ इनको तो पता है हम लोग को करना पड़ेगा। तो पिछली वाली ABCD में प्रभु सर का जो रोल था वो मेंटर थे सबके, वो सबको सिखाते, इकट्ठा करते, ग्रुप बनाते हैं। इस फिल्म में प्रभु सर का किरदार, प्रभु सर इस फिल्म में आपका किरदार कैसा है? Actually, till I finish the film, I don't know what I'm doing because ये एक होता है अभी, obviously ABCD 2 बन रही है। I thought रेमो सर ने बोला you're the hero, now you're the main person. तो मैं जब पहले आया सेट पे, तो पहले दिन रिहर्सल हॉल में तो मैं ऐसे आया कि ओके इधर से कोई झलांग मार रहा है, इधर से कोई बॉय उल्टा पुल्टा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा था। तो मैं खाली थोड़ा कॉन्फिडेंट रहा कि ठीक है मेरी भी पिक्चर हिट हुई तो मैं देख लेता हूँ क्या हो रहा है। फिर एंट्री होती है प्रभु देवा सर की, जो लाइक आपने जैसे बोला जो इधर एंट्री बहुत मतलब इतने स्वीट और मतलब नाइस ऐसे ऐसे, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मेरे को लगा कि वो भी थोड़े मतलब नॉर्मल बट ही वाज इतने ऐसे, तो मैं ऐसे आते मैं चंदन की पर्ची काटने आया ना मैं तो बैठ गया सर, उसके बाद मैं खड़ा ही नहीं हुआ वो क्लास में, मैं ऐसे ही देखता था थोड़े टाइम के, मेरे को लगा मैं लेट ही जाऊंगा मैं क्या करूं, क्योंकि ऑनेस्टली बट ग्रेट मैन रियली, उनका जो नाम है ना, इनके पेरेंट्स ने बहुत सोच समझ के इनका नाम रखा है प्रभु देवा, क्योंकि सच्ची में ये प्रभु है और देवा है। अरे वाह प्रभु सर, आपके लिए आपको मजा किस चीज में आता है जब आप डायरेक्ट कर रहे होते हैं फिल्म? कोरियोग्राफी में ज्यादा मजा आता है। और दूसरी ऑप्शन सुनी नहीं आपने दूसरी ऑप्शन थी ये थी कि जब आप किसी के डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, इजी कंफर्ट कब फील करते हैं आप? No, when I was acting in film, as he said, I was, whenever they call, I will, it was fun and also seeing everyone dancing and first time I'm working with Varun and Shraddha. They are working very hard because I used to tell, you must see this film for the hard work what they have done. They're too good. अच्छा ये तो प्रभु सर हम्बल है इतने कि आप उनको जाके बोल सकते हो प्रभु सर अच्छा ये ऐसा नहीं ऐसा चाहिए था, या मेरा टेक्निकली मेरे से गलती हो गई। अगर कोई बंदा ऐसे अकड़ू टाइप हो उसको समझाने जाए, मान लो डायरेक्टर, हाँ यही डायरेक्टर है, वो ही मान लो अकड़ू होते तो सर वो थोड़ा गलत है, चल भाग यहां से मुश्किल हो जाता है डायरेक्टर। अच्छा हमें ये भी सुनने को मिला सर कि शूटिंग करते वक्त वरुण को और श्रद्धा को चोटें भी काफी लगी हैं। अभी तो ये डांस फिल्म है, आप सबको बताया उसमें चोटें लग रही, अगर आप एक्शन फिल्म बनाए आप तो बंदे मरवा दें आप चोटें क्यों लगी वरुण? हमारे सर पे नॉर्मल था, मतलब हमारे बहुत सारे डांसर्स थे, किसी के पैर में चोट लग गई, हाथ में चोट लग गई, किसी का की कमर ऐसे हो गई है, पर इतना नॉर्मल हो गया था कि मतलब चलो डांस करने लग जाओ वापस, तो ऐसे कोई मतलब मैं एक्चुअली बता दूं क्या रीजन क्या है इसका, मतलब जी डांसिंग जो इस फिल्म है वो दे आर कम्पीटिंग विद द वर्ल्ड, ओके तो अमेरिकन टीम है, जर्मन टीम है, ऑस्ट्रेलियन है, सब है, तो अगर वो लोग उस लेवल पे डांस करते हैं तो इनका भी उस लेवल पे होना चाहिए था। तो उन लोगों को आप ही नहीं कोरियोग्राफी कराई? नहीं नहीं वो उनकी कोरियोग्राफी। अच्छा वो अपना तैयार करके लाए, घर से टिफिन लेके आए? हाँ अपना घर से टिफिन लाए, हमको अपना खाना लेके जाना पड़ा उधर। यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप नहीं बताते मैं तो यही समझता कि डायरेक्टर ने वाकई में डांस करना। मैंने ये सवाल इनसे पूछा कि आपको चोटें बड़ी लगी, बहुत चोटें लगती हैं, ये इजी जॉब नहीं होती है, मैंने दो गाने करके देखे अभी कैसा है आपका बैक वैक सब ठीक है? देखो पूछो रोमांटिक सॉन्ग ऑल्सो, पर ये ना श्रद्धा ने जो कहा ना कि वाकई चोटे बड़ी लगती है सारी टीम को, मैंने आर्मी देखा एक जगह पे ना रेमो सर अपनी टीम को अनाउंस करा रहे थे कि आ रही है मेरी टीम ये वो, तो मुझे लगा सब ऐसे आएंगे, कोई ऐसे आ रहा है सबके चोटे लगी हुई है, बड़ा मुश्किल काम होता है भाइयों ये। पर एनीवेज लड़कियां हमेशा अक्सर ये बोलती कि आज तो मैं आग लगा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, श्रद्धा ने सीरियसली ले लिया, उन्होंने डांस किया स्टेज पे आग लग गई, पता आपको श्रद्धा क्या हुआ था स्टेज पे बताओ? एक्चुअली आग वरुण ने लगाई थी नहीं सीरियसली काफी स्कैरी था, हमारा फिनाले सॉन्ग शूट कर रहे थे एंड सडनली छज्जे पे एक स्पार्क आया और हमने देखा कि और हम ऐसे ही खड़े हैं, ये क्या हो रहा है,
कोई हिल नहीं रहा है, कुछ नहीं, सडनली आया स्पार्क। हां ये मेरे को लग रहा है आग है। एक्चुअली आग जब लगती है तो कैजुअली लगती है ना, ऐसे नहीं आग आग ऐसे हो गया, इट्स ऐसे आग लगी। तो रेमो सर हम सब खड़े, तो वी लाइक ओ फायर, छोटा फायर, अरे बढ़ रहा है, अरे काफी बढ़ गया, अरे अरे भागो। मौका है मैं बता देता हूँ, आग ऊपर लगी थी, नीचे जो ऑडियंस थी 700 लोग बैठे थे, अच्छा, और जो कैमरा वाले थे और जो टेक्नीशियन थे वो 100 लोग थे, एक्टर्स और सब मिला के कुछ 50 लोग थे, तो कम से कम 800-900 लोग नीचे बैठे थे और सबका वही रिएक्शन था। और जैसे सब लोग भागना शुरू किया, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि एक टीम वर्क क्या होती है, सब साथ में भागे, नहीं टीम वर्क, मतलब टीम वर्क वो होती है जब सब भागे, सिर्फ टीम रुक गई और जितना भी सामान था, क्योंकि अगर उसमें आग लग जाती तो मेरी शूटिंग आज तक खत्म ही नहीं होती, सब अंदर ही, ऐसे ग्रेट स्पिरिट, एक एक आदमी ने अपना सामान उठाया भागे ऐसे, तो अमेजिंग। रेमो सर और जो हमारे कोरियोग्राफर है दादू, तो वो लोग ऑब्वियसली इमोशनल हो गए थे और आग लगी, दिस प्रॉपर फायर इनसाइड, ये लोग अंदर चले गए आग के। और उसके ऊपर लिजेल मैम जो रेमो सर की बीवी है वो भी चिल्ला, नो गेट रेमो, मैं बोल रहा यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे को कंट्रोल करने को आया नहीं, मैं पहली बार आग में गया, तो मतलब पहली बार ये ऐसा हुआ था, मैं कोशिश कर रहा पर सर ये इतिहास गवाह है, जहां जहां अग्निदेव प्रकट हुए हैं तो चीजें बड़ी सुपर डुपर हिट हुई है, एग्जांपल हमारा शो भी है, अच्छा इधर भी है, अच्छी है। श्रद्धा ने कितना क्यूटली बताया ना कि सडनली स्पार्क आया, तो सडनली आता पहले नोटिस आता क्या, अरे आग लगने वाली है 15 मिनट में पहुंचेगी तो आग निकल जाएगी। एबीसीडी में टोटल 15 लड़के हैं और सिर्फ एक लड़की है, आपने स्पेशल फील किया कि अच्छा इतने सारे लड़के हैं तो मैं अकेली हूँ, या आपको ये लगा कि नहीं नहीं कोई होनी चाहिए थी साथ में, कुछ चुगलियां वुगलियां मारनी होती बाहर, इतनी दूर गए अमेरिका में, कोई इतनी चुगलियां वुगलियां हम सब ने मारी है साथ में, ये बॉयज जो है ना इतने मस्ती खोर है, ये राघव धर्मेश ये अपना नंबर वन चुगली खोर, कूली नंबर वन, चुगली खोर नंबर वन ही है, चुगली खोर नंबर वन। तो जिस तरीके से हमने मस्तियाँ की है लास्ट वेगस में, डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, बहुत मजा आया। पर नहीं एक्चुअली अगर ये आप कानपुर में शूटिंग कर रहे होते ना, कानपुर में, तो आप कहते हैं कि हमने बड़ी मस्तियाँ की है, मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, हम भी ना जाते, लेकिन लास्ट वेगस ऐसी चीज है ना कि बंदा डिटेल में जाना चाहता है। रेमो सर ने मुझे पहले दिन से मतलब बिल्कुल एक लड़की की तरह ट्रीट नहीं किया, मैं इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि एक तो मैं पहली बार डांस करने जा रही हूँ, दूसरा अरे लास वेगास में क्या किया, वो घुमा रही है सर क्वेश्चन, दूसरा मैं भी समझ रहा हूँ, मैं कुछ पागल हूँ, दूसरा लेवल देखिए डांसर्स का, ये जो डांसर्स है घुमा रही है जिनके साथ हम घुमा रही है वेगास में, क्या हुआ, अरे यार मैं ये बोलूंगी कि बॉयज के साथ जिस तरीके से रेमो सर ने मुझे क्या कहते हैं ज्वाइन करवा दिया ग्रुप में, एक तो बिल्कुल लड़की की तरह ट्रीट नहीं किया और घबरा गई, अभी मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दिया यार तुम लोगों ने बहुत बुरी तरह, मैं नहीं बोलने वाली, ऐसी बात नहीं है। अच्छा पर देखो आप श्रद्धा ना बहुत क्यूट, बहुत इनोसेंट फेस है इसका, बड़ी क्यूट है, बिल्कुल कश्मीरी सेब जैसी है, ऐसा क्या किया इसने वरुण ने जो आपको लेडी अक्षय कुमार का खिताब दे दिया? लेडी अक्षय कुमार वरुण थैंक यू, ये कभी मेरे फेस पे नहीं बोला इसने, सही ऐसी चीजें फिल्मों में थोड़ी बोलते हैं, नहीं एक चीज बोल सकते, फैमिली शो है और हम लोग 18 के अबव है तो इट्स ऑल लीगल, हम लोग वेगास में थे ऑब्वियसली, एक चीज के लिए जाना जाता है, एक चीज मतलब एक बहुत बड़ी चीज के लिए जाना जाता है। एक रात श्रद्धा ने बोला कि लेट्स गो टू अ स्ट्रिप क्लब, पर मैंने बोल ही दिया फिर सब बॉयज ऐसे हो गए। टीवी एक्ट्रेस के लिए ऐसा होता है कि सामने चलते शूटिंग आए तो फिर अंदर से ऐसे कर, पर ये क्या है, मैं देखो मैं सच बोलता हूँ, मैं अब आपको आपके सामने कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ सर, ये सब जो बातें मैंने की इसका कोई मतलब नहीं था, मेरा चढ़ा हुआ था, मैंने ठीक करना था, सॉरी ओके